देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। हमारा देश सोने की खरीद के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन सोने का बढ़ता भाव इसकी मांग में कमी ला सकता है। दरअसल पिछले हफ्ते से आपने सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखा होगा। एक हफ्ते में सोना प्रति 10 ग्राम 40,000 रुपए तक पहुंच चुका है। अभी तक सोने की कीमत इतनी कभी नहीं बढ़ी और ये नीचे गिरने का नाम भी नहीं ले रही। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है, इसलिए आज हम उन कारणों पर गौर करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम। पहला कारण, भू राजनीति तनाव। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव से खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुआ फौजी तनाव गहराने से सोने के दाम को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह सुलेमानी की मौत का बदला लेने की हिमाकत करेगा तो इसका अंजाम और बुरा होगा, क्योंकि अमेरिका उसके 52 ठिकानों को निशाना बना सकता है। उधर उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी है, जिससे भू राजनीतिक तनाव पहले से ही बना हुआ है। दूसरा कारण, वैश्विक आर्थिक सुस्ती। अमेरिका और चीन के बीच बीते 18 महीनों के दौरान व्यापारिक मसलों को लेकर टकराव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार मंद पड़ गई है और अनिश्चितता का माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। यही कारण रहा कि बीते साल 2019 में सोने में कुछ ज्यादा ही निखार आया। तीसरा कारण, ब्याज दरों में कटौती। वैश्विक स्तर पर पिछले दिनों केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती और डॉलर में जो कमजोरी रही उससे सोने की तेजी को सपोर्ट मिला। डॉलर में कमजोरी अभी भी बरकरार है। चौथा कारण, अच्छा रिटर्न। पिछले साल सोने ने भारत में 23.77% का रिटर्न दिया था, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों को 18.28% का रिटर्न मिला था। इसलिए पीली धातु में निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान अभी तक बना हुआ है। पांचवा कारण, तेजी का ट्रेंड। सोने में तेजी के ट्रेंड से इतिहास पर नजर डालें तो जब भी महंगी धातु में तेजी आती है तो ये ट्रेंड 3 से 4 साल तक चलता है। मतलब अगले 3 से 4 साल तक आपको सोने की महंगी मार झेलनी पड़ सकती है। रुपए में कमजोरी। भारतीय बाजार की बात करें तो घरेलू मुद्रा रुपए में कमजोरी भी एक कारण है जिससे सोने को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं देश में जब जब सोने में तेजी आती है तो खरीदारी बढ़ती है और इसके विपरीत कीमतों में गिरावट के दौरान खरीदारी का रुझान कमजोर हो जाता है। सातवां कारण, निवेश का सुरक्षित बेहतर साधन। रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश कमजोर रहने और इक्विटी निवेश के प्रति अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों के लिए सोना निवेश का एकमात्र सुरक्षित और बेहतर साधन रहा है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सोने का भाव आसमान छू रहा है और न जाने आने वाले दिनों में और कितना ऊपर जाएगा।